अभी हम गुम हो चुके हैं और अभी हम लोग पीछे साइड में, अभी पता नहीं कि वहाँ पे जाना कैसा है। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, माय नेम इज सुजन मंजिल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइट आउट ऑफ 56। और आज हमारा प्लान है बांद्रा फेयर जाने का, जो हो रहा है 2 साल के बाद, और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस। और बिकॉज ऑफ दिस कोविड सिचुएशन, 2 साल पता नहीं, मतलब हर एक चीज़ अभी नया लग रहा है, हर एक फेस्टिवल नया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हम लोग। अभी चल रहे हैं हम बांद्रा और अब टाइम हो चुका है 2:20 और आज मैं घर से शुरुआत कर रहा हूँ गाइस, एंड व्यू तो बनता है। तो गाइस अभी चलते हैं बांद्रा स्टेशन, मंगेश को पिक करते हैं, फिर उसके बाद आगे का स्टोरी तुमको बताते हैं। चलो फाइनली बांद्रा पहुंच चुका हूं मैं, और मंगेश एज यूजुअल ऑन टाइम है और मैं हमेशा की तरह लेट। भाई अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो आई एम रियली सॉरी, हमेशा लेट होता हूं मैं। चलो मैं बांद्रा पहुंच गया हूं, अब बाइक रखवाता हूं साइड में और उसको कॉल करता हूं। चलो आ गया, ये क्या बोलता है, कितना टाइम हुआ मेरे को इधर, लेट हो गया ना 20 मिनट लेट ना, हाँ कसम, तो हमेशा की तरह 20 मिनट लेट हूँ। चल चल भाई बैठ जा। चलो गाइस अभी हम लोग मिलते हैं डायरेक्टली। तो अभी फिलहाल हम लोग होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, बारिश हो रही है, बारिश, फोन को बचाना जरूरी है। भाई काम करते, रेनकोट पहन के ही चलते, ठीक है, मैं तो इधर रुका रह के फिर अपना, हाँ टाइम वेस्ट भी हो जाएगा। पैंट नहीं लाया क्या? नहीं। अरे बिक जाएगा, चलेगा चलेगा, तो रेडी है तू? yes, चल ठीक है, अभी मेरी बारी। तो चलो अभी हम लोग पहुंच गए, लाइन इतना है नहीं, तो अगर आप लोगों को आना है तो यही टाइम पे आओ, मतलब अभी टाइम कितना, 3:15 हो रहा है, तो यही टाइम पे आना है और बहुत खाली है यहाँ पे, देख लेंगे, पूरा खाली है रास्ता, पूरा खाली है। तो चलो अभी आपको थोड़ा एक्सप्लोर कराते हैं। भाई एक्चुअली ये अभी 2 साल के बाद हो रहा है, पता है तुम्हें, और लॉकडाउन की वजह से मतलब अभी जो भी फेस्टिवल हो रहा है ना वो पूरा नया लग रहा है मेरा। एक्चुअली मैं वीडियो क्यों चालू रखा है पता है तुम्हें, मेरे को, मैं जब अकेला रहता हूँ ना तो पब्लिक के सामने ना मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, तो ये डर जो है ना मेरे को निकालना है, क्योंकि अभी ऑब्वियसली लोग लुक तो देते हैं, है ना, उनका काम है तो, बट मेरे को यार मैं थोड़ा, मैं कुछ बोलता हूँ और मैं ब्लाइंड हो जाता हूँ और कुछ और बोल देता हूँ, फंबल हो जाता है, तो मैंने बोला कि अभी चालू ही रखते हैं वीडियो, और अभी तू पार्टनर है तो थोड़ा कैसा है कंपनी मिल जाता है, तूने तो फिर भी चल ठीक है शुरू से, भाई मैं फ्लिप फ्लॉप पे आ रहा हूँ। अभी बारिश ऐसा हो रहा है, मतलब 5 मिनट हो रहा है फिर धूप आ रहा है, फिर 5 मिनट हो रहा है धूप आ रहा है, मतलब बट अभी अच्छा है कि भाई हो नहीं रहा है ना, और भले शूज मैटर नहीं करता।
कैसा लग रहा है तेरे को इधर, तेरे को फील कैसा हो रहा है? मतलब अच्छा लग रहा है थोड़ा, मतलब है लोग भी है ना, मतलब बहुत अच्छे से, मतलब बोलते ना ब्लेसिंग्स टाइप लग रहा है, क्योंकि इतने उत्साह से लोग जा रहे हैं, हैप्पीनेस से लोग जा रहे वहाँ पर, दो साल तो उनके भी मतलब है ना, बोलते ना वो उत्साह है, वो तो है, हैप्पीनेस है कि हाँ चलो दो साल के बाद स्टार्ट हुआ ये, तो बहुत मज़ा आ रहा है उन लोगों को भी पूरा अच्छे से देखना कैसे रखा है। वही वही एकदम सिस्टमेटिक बोलते हैं ना, चलो फाइनली आ गए और यहाँ पर अरेंजमेंट, प्रॉपर अरेंजमेंट हुआ है मतलब सिस्टमेटिकली। अभी अपने को लेने का कैंडल है ना, तो अभी यही शॉप से लेते हैं, और कोई आगे शॉप दिख नहीं रहा है, बट लाइन से निकलना पड़ेगा फिर, है ना, यहाँ से ही लेते हैं बस, तो फिर यहाँ से ही ले लेते हैं, ठीक है। मम्मी कैंडल वैंडल चाहिए क्या? ले आता हूँ मैं कैंडल, एक्चुअली मम्मी आने वाली है कल शायद। ये भी ले रहा हूँ भाई, बहुत जल्दी लेना है अपने। यस जल्दी हो गया फिलहाल, और हम लोग एग्जिट भी कर चुके हैं, और ये पूरा स्नैक्स भाई यहाँ पे कुछ ले नहीं रहा है भाई, मेरे को समझ में नहीं आता ये सब चीज़, अगर मम्मी होती तो, हाँ मम्मी होती तो फिर वो स्वीट्स वगैरह उनको ही मालूम होता है कितना लेना है क्या लेना है, मम्मी रहती तो पूरा शॉपिंग होता है। मम्मी तो बोल रही थी कि आएगी वो, तो होपफुली कल आए वो, तो हो जाएगा उनका फिर शॉपिंग, हाँ वही हो जाएगा शॉपिंग। देखा कि अंदर इतना शूट करने नहीं दे रहे, बट फिर भी कैसे कैसे करके कर लिया है ना, एंड अभी फिलहाल हम लोग नीचे उतरे और अभी आपको दूसरे जगह एक्सप्लोर कराते हैं। चलो अभी हम घूम हो चुके हैं भाई, कहाँ गए अपन? अच्छा नहीं, अपन पीछे साइड आ गए शायद, तो भाई देखते अभी पूछते हैं किसी को। अभी हम जा रहे थे गलत रास्ता, बट एक भाई ने सजेस्ट किया कि अगर आप यहाँ से जाओगे तो आपको बहुत घूम के जाना पड़ेगा, तो जो सीढ़ी से हम लोग आए अब हमको वहाँ से ही रिटर्न जाना पड़ेगा। यस, समझ में नहीं आया, हाँ एक्चुअली है ना, या फिर अपने को पूछना चाहिए था कि भाई मतलब एग्जिट कहाँ से, एग्जिट तो वही एक ही था मेरे हिसाब से, है ना, और गर्मी बहुत हो रही है, और एक तो बैग लेके घूम रहा हूँ मैं, और पसीना वो लग रहा है पूरा पूरा पूरा। तो आपको मैं बाद में इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, पहले मैं उस जगह में पहुँच जाऊँ, थोड़ा चैन की सांस आएगी, फिर उसके बाद आपसे मिलता हूँ। फाइनली गाइस सब हो गया है, बहुत अच्छे से हुआ, और रश नहीं मिला, रश नहीं मिला एक्चुअली में, रश नहीं मिला, और बाकी तो आपने वीडियोस में देख ही लिया रहेगा,
सिनेमाटोग्राफी में। एंड अभी हम चल रहे हैं गाड़ी की तरफ, फिर वहाँ से हम जाएंगे बैंड स्टैंड, फिर थोड़े इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है वो मैं तुमसे शेयर करूँगा, एंड आई होप वो तुम्हें कहीं ना कहीं काम आए, और जो भी अंदर सिचुएशन चल रहा है उसके बारे में आपको मैं बता दूँगा। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बैंड स्टैंड, और अंदर हमने क्या एक्सपीरियंस किया है वो हम आपसे शेयर करेंगे। तो पहले तो हमने कैंडल ले लिया, और उसके बाद हमने एंट्री की, और पहले तो बैग चेकिंग होता है, ऑब्वियसली वो होना भी चाहिए, सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अंदर वीडियोज अलाउड नहीं है, तो मैंने फिर भी थोड़ा बहुत ले लिया है बिकॉज ऑफ यू गाइस। अगर इतना रिस्क मैं ले सकता हूँ तो लाइक और कमेंट तो बनता ही है, और अगर आपने मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ जाके फॉलो कर दो। तो मैं ये बता रहा था अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, खाली फ़ोटो ले सकते हो आप लोग। तो हमने फ़ोटो भी थोड़े लिए हैं, बट वीडियोग्राफी इतना किया नहीं है, तो जितना हो सका है वो हमने आपको बताने की कोशिश की है। तो गाइज़ अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, 9 डेज़ का होता है नवीना जो कि हो गया है ख़त्म, और 8 सितंबर को होता है मध्य अमेरिका बर्थडे, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है बैंड्रा फेयर 11 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक का है। तो अगर जो जो नहीं आया हो जिसको आना है तो प्लीज़ विजिट कर लो, जो भी आपको विश मांगना है वो ले लो, क्योंकि अभी मैं आपको शेयर करने वाला मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो जब मैं छोटा बच्चा था, बड़ी शरारत करता था, ये मैं नहीं बोलूँगा, तो जब मैं छोटा था मतलब बचपन में लाइक 14 या 13 ईयर्स ओल्ड, तो मेरी मॉम मेरे को यहाँ लेके आया करती थी हर एक बैंड्रा फेयर में। तो मेरे साथ उस टाइम खेलने के लिए कोई नहीं था घर पर, मैंने वहाँ पे 2 male ऐसे स्टैचू रखे थे कि मेरे को भी 2 भाई मिल जाए तो मैं उनके साथ खेल पाऊँ। काफ़ी सालों बाद हमारे घर पे हुए 2 मेहमान जो कि मेरे कज़न्स भाई हैं, 2 भाई हैं मेरे, 2 कज़न्स हैं मामा के लड़के हैं, तो और अब तो एज बड़ी हो गई तो मैं उनके साथ खेल नहीं सकता ऑफकोर्स, बट जो भी जो विश है ना, मतलब जो विश है वो हो जाता है कम्प्लीट, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को भी कुछ एक्सपीरियंस ऐसा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स पर ड्रॉप कर सकते हो आपका एक्सपीरियंस, कि माउंट मैरी को लेकर आपका एक्सपीरियंस क्या है। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, और सब्सक्राइब करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेल आइकन। अगर मैं मेरा वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो। और आपको मैं बता दूँ हम अभी 80+ सब्सक्राइबर्स हैं, एंड आई होप ये वीडियो डालने के बाद 100 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हम्बल, स्टे स्ट्रॉन्ग।